गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं। अगर आप लोग नए हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा, वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मिल गया है आठवां महाद्वीप जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक, आठवां महाद्वीप मिला जिसका नाम है जीलैंडिया। अब देखिए हुआ क्या, अभी तक तो हमारे पास सात महाद्वीप थे। सात महाद्वीप हमारे पास कौन कौन से थे, तो सात महाद्वीप में हमारा एशिया, ठीक, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और एक था अंटार्कटिका। तो अभी तक हमारे पास सात महाद्वीप थे। उसके बाद एक नए महाद्वीप की खोज हुई जिसका नाम पड़ा जीलैंडिया। वैसे इसकी खोज तो 2017 में ही हो गई थी, इसकी खोज 2017 में ही हो गई थी, लेकिन इसके मानचित्र का निरूपण नहीं हो पाया था, इसकी स्थिति और आकार का जो है जानकारी नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो है इसको बताया नहीं गया। अर्थात अब जो है वैज्ञानिकों ने इसके आकृति और आकार की खोज कर ली है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख चुके होंगे और आप साइड में भी देख रहे होंगे। आप साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है, रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, इसके बीच का जो भाग है वो आपका जीलैंडिया है, या फिर आप मानचित्र में देख रहे होंगे कि ये जीलैंडिया का भाग आपको दिखाया गया है। तो देखिए होता क्या है, स्टार्टिंग में जो आपका शुरू में ये जो सातों महाद्वीप है ना, सातों महाद्वीप एक उसमें था, सब एक ही, एक पूरे साथ थे, जिसको जो है हमने पैंजिया कहा था। क्या कहा था, जिसको हमने पैंजिया कहा था। और जितने आपके महासागर हैं वो सब अलग थे, और महासागरों को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था पैंथालसा। ठीक, क्या नाम दिया गया था, पैंथालसा। तो शुरू में जो है एकदम स्टार्टिंग में 500-600 करोड़ वर्ष पूर्व तो हमारा जो पृथ्वी थी, पृथ्वी के दो भाग थे, एक तो हमारा पैंजिया था, एक हमारा पैंथालसा था। पैंथालसा में आपका जितने भी महासागर है सब इसमें थे, और पैंजिया में आपके जितने भी ये सातों महाद्वीप है सब इसमें थे। हुआ क्या, समय के चलते चलते ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूट गया। पैंजिया जो आपका था ये दो भागों में टूट गया, जिसका नाम पड़ा लॉरेंसिया, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड। तो हुआ क्या कि ये जो पैंजिया था ये दो भागों में टूटा, ऊपर का भाग आपका लॉरेंसिया कहलाया और नीचे का भाग आपका जो है क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। आगे हुआ क्या कि जो आपका पैंजिया था, पैंजिया से हमारी उत्तरी महाद्वीप बनी। उत्तरी महाद्वीप का मतलब उत्तरी अमेरिका हो गया आपका। ठीक भाई, यही चीज है, अगर हम इसको यहां पे तोड़े तो देखिए यही पे आपका पैंजिया था और ये दो भागों में टूट गया। जब दो भागों में टूट गया तो यहाँ पे आपका आ गया उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपका आ गया जो है यूरोप वाला भाग, फिर इधर आपका आ गया एशिया वाला भाग। ठीक, और जो आपका गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिणी महाद्वीप बना, जैसे दक्षिणी अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, अफ्रीका का कुछ भाग इधर से बना, कुछ भाग उधर से बना, लेकिन माना यही जाता है कि गोंडवाना लैंड का ही भाग है अफ्रीका। और वही ऑस्ट्रेलिया जो था आपका, वो भी आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग था। और जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये भी आपका गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो देखिए हुआ क्या, चूंकि जो है ये जो जीलैंडिया है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर अर्थात इधर है, तो इसलिए जो है जो जीलैंडिया महाद्वीप है ये भी आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है। हुआ क्या कि 100-200 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये
मतलब कि समुद्र के महासागरों में ढक गया था। और इसके आकार की बात की जाए, क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जीलेंडिया महाद्वीप जो आपका नया महाद्वीप बना है, इसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आधे भाग के बराबर है। लेकिन चूंकि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो इसका केवल 6% हिस्सा, अर्थात 6% बाहर है, बाकी सब डूबा हुआ है। तो इसीलिए जो है वैज्ञानिकों को इसमें इसको खोजने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। वहीं अगर बात किया जाए कि महाद्वीप का दर्जा इसको क्यों दिया गया, पहले इसको द्वीप कहा जाता था, जैसे कि आपका यूरोप और उसके आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप हैं न्यूजीलैंड के आसपास के, उसे ही हम जीलैंडिया नाम दिया करते थे, और उसी के नाम पर जो है इस महाद्वीप का नया नाम जो पड़ा है वो जीलैंडिया महाद्वीप पड़ा है। और कोई भी महाद्वीप कैसे बनता है, तो उसके लिए आपके पास जो है सीमा क्षेत्र होना चाहिए, एक विस्तृत सीमा क्षेत्र होना चाहिए, उसकी मानचित्रित आकृति होनी चाहिए, और एक विशेष बात ये होनी चाहिए कि उसकी परत की जो मोटाई होती है वो समुद्र के परत की मोटाई से अधिक होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर जीलैंडिया महाद्वीप क्या है, कैसे है, क्या इसकी आकृति है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों से भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए पूरा वीडियो, नमस्कार, शुरू करते हैं। दुनिया का आठवां महाद्वीप जीलैंडिया, जो कि इसकी खोज जो है 2017 में ही हो गई थी, लेकिन इसका जो है जो मानचित्र था वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया था, इसीलिए जो है ये उस समय नहीं बताया गया था। तो जो हमारा आठवां महाद्वीप है वो हमारा जीलैंडिया महाद्वीप है। और इसकी संरचना की बात की जाए तो देखिए, इसका मैप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जीलैंडिया का, ये देख रहे होंगे आप, ये जीलैंडिया का मैप है। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा जीलैंडिया का नक्शा दिया गया है। और इसके आकार की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का आधा है। और देखिए इसी के पहले जो है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, टाइम स्पीड का जो पूरा मैराथन क्लास है, एक क्लास आपको दी गई थी, जो कि आपको प्लेलिस्ट से भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो रहेगा। मैं आपके लिए जो है हर प्रकार का पूरी तरीके से आपका सहयोग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जीलैंडिया जो है ये क्या है, कहाँ है, कैसे है, पूरी बातें। तो देखिए जीलैंडिया दुनिया का आठवां महाद्वीप, ठीक, जीलैंडिया दुनिया का आठवां महाद्वीप है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की लहरों में 300 फीट नीचे छुपा हुआ है दुनिया का ये आठवां महाद्वीप। मतलब जीलैंडिया महाद्वीप जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में 300 फीट नीचे छिपा हुआ था। मतलब कि पहले ये महाद्वीप था, लेकिन चूँकि महासागर थे तो महासागर की वजह से ये डूब चुका था, जिसके जो है केवल 5% हिस्सा जो था वो ज़मीन के ऊपर था। तो इसकी खोज जो है 2017 में ही हो गई थी, लेकिन इसके मानचित्र का जो है पूरी तरीके से जिक्र नहीं हो पाया था, इसीलिए जो है ये नहीं बताया गया। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके मानचित्र का खोज हो चुका है। देखिए वहीं आठवें महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या बातें हैं आठवें महाद्वीप की, हम उस पर चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस डूबे महाद्वीप को जीलैंडिया नाम दिया गया है। तो जीलैंडिया नाम क्यों दिया गया है, तो देखिए जो हमारा यूरोप और इसके आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं उसको जीलैंडिया कहा गया, इसी की वजह से इसका नाम भी जीलैंडिया दिया गया। विश्व में ज्ञात रूप से 7 महाद्वीप हैं। अभी तक हम लोग 7 महाद्वीप पढ़ते थे, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, जहाँ वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने न्यूजीलैंड तथा इसके निकट
महासागरीय सतह के नीचे एक आठवें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की है। तो अर्थात जो जीलैंडिया का अस्तित्व है ये कहाँ पे किया है, तो न्यूजीलैंड तथा इसके निकट के महासागर की सतह के नीचे जो है आठवें महाद्वीप जीलैंडिया के अस्तित्व की पुष्टि की थी। हालांकि इस महाद्वीप की खोज वैज्ञानिकों ने 2017 में ही कर ली थी, लेकिन इसका मानचित्रण न हो पाने की वजह से इसकी चौड़ाई के बारे में सटीक अनुमान नहीं लग पा रहा था। बीते सोमवार को न्यूजीलैंडिया के GNS साइंस के शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने महाद्वीप के रूप और आकार का पता लगा लिया है। इस शोधकर्ताओं ने मानचित्र को एक वेबसाइट पर डाल दिया है, जिससे इसके जरिए लोगों को इस महाद्वीप की जानकारी आभासी तौर पर हासिल हो सके। खोजी दल के अगुआ निक मोर्टिमर, जो इसको खोज करने के लिए जो मेन थे वो निक मोर्टिमर थे, और उनके सहयोगियों ने इस महाद्वीप के इर्द गिर्द समुद्र तल की गहराई, इसकी संरचना और जीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं की स्थिति को रेखांकित किया। वहीं अगर हम आगे बात करें तो मानचित्र के जरिए नई सूचनाएं प्रकाश में आई हैं। इस सूचनाओं में महाद्वीप के बनने और लहरों लाखों साल पहले इसके पानी में डूबने जैसी जानकारियों को साझा किया गया है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो देखिए, जीलैंडिया का इलाका क्षेत्रफल में तकरीबन 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक है, और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्षेत्रफल के आधे भाग के बराबर है। लेकिन यह महाद्वीप का महज 6% हिस्सा, मात्र 6% ही समुद्र के ऊपर है, बाकी भाग समुद्र तल के नीचे डूबा हुआ है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसका सर्वेक्षण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मानचित्र के जरिए इस डूबे हुए महाद्वीप को समझने में काफ़ी मदद मिली। मोर्टिमर और उनके दल ने एक महाद्वीप और इसके आसपास के समुद्र तल का गहनतम से अध्ययन किया। इसके आधार पर तैयार किया गया कि मानचित्र महाद्वीप पर मौजूद पहाड़ों, समुद्र तल तक उठे हुए रिज को बारीकी से दिखाता है। तो जो आप मानचित्र देख रहे हैं, देखा होगा आपने, थंबनेल में भी देखा होगा। तो इसके अलावा इस मानचित्र में समुद्री तट रेखा, तटीय सीमा और समुद्र के भीतर पाई जाने वाली संरचनाओं को भी दिखाया गया है। यह मानचित्र उस वैश्विक पहल का हिस्सा है जिसमें पृथ्वी के पूरे समुद्र तल को 2030 तक मानचित्रित करने की योजना है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो GNS के वैज्ञानिकों ने एक दूसरा नक्शा भी बनाया है, जिसमें पानी के भीतर मौजूद महाद्वीप की बनावट, उसकी परत, भूपरपटी और संरचना और उसकी आयु और उसके बीच स्थित मुख्य दरारों के बारे में भी बताया गया है। आमतौर पर महाद्वीप की संरचना में भूपरपटी महासागर के मुकाबले पुरानी होती है। इस मानचित्र में महासागरीय सतह को नीले जबकि महाद्वीपीय सतह को लाल व पीले रंग से दर्शाया गया है। ज्वालामुखी को इस मानचित्र में लाल त्रिभुजों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में जीलैंडिया महाद्वीप और इसके इर्द गिर्द मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा कौन सी प्लेट किस तरफ जा रही है और किस प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट जा रही है, इसके बारे में भी बताया गया है। जीलैंडिया महाद्वीप की परिकल्पना महज 25 साल पुरानी है। हालांकि भूगर्भवेत्ता ब्रस लुएडिक ने इस शब्द को साल 1995 में ईजाद किया था। लुएडिक ने बताया कि जीलैंडिया शब्द शुरुआत में न्यूजीलैंड और इसके आसपास के छोटे मोटे द्वीपों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाखों साल पहले ये भाग गोंडवाना लैंड से अलग होगा और धीरे धीरे इसका काफ़ी हिस्सा पानी के नीचे दफन हो गया। मैंने बताया, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में आपका पैंजिया और पैंथालसा था, जिसमें पैंजिया आपकी जितने भी महाद्वीप हैं ये सभी एक महाद्वीप हुआ करते थे, जिसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, और वहीं जितने महासागर हैं सबको एक नाम से, जिसको पैंथालसा कहा जाता था। और पैंजिया जब टूटा
तो ये दो भागों में टूटा, जो कि आपका गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था। तो गोंडवाना लैंड से आपका ऊपरी हिस्सा जो आप देखते होंगे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप हो गया आपका, एशिया हो गया, ये सब आपका उससे टूटा था। और वहीं अंगारा लैंड की बात की जाए तो वहाँ से आपका अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है नीचे का हिस्सा था। तो वहीं अगर हम आगे चर्चा करें इसमें, तो गौरतलब है कि धरती जैसी आज दिखाई देती है वैसी पहले नहीं थी। धरती पर मौजूद महासागर और महाद्वीप पहले यूं नहीं थे जैसे आज दिखाई देते हैं। हमारी धरती पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। वक्त के साथ साथ यह विशालकाय महाद्वीप दो भागों में बट गया। उत्तर वाला खंड जिसको लॉरेंसिया कहा गया, इसके यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका जैसे महाद्वीप का निर्माण हुआ, जबकि दक्षिणी जैसी जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, इसमें दक्षिणी महाद्वीपों का जन्म हुआ। तो हमने देखा, अभी मैंने बताया कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया था। लॉरेंसिया में आपका यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका थे, और गोंडवाना लैंड में बाकी नीचे के हिस्से थे आपके, अफ्रीका थे, दक्षिणी अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और भारत था। वहीं अगर हम बात करें धरती के भीतर और बाहर बलों के कारण इन विशाल भू भागों में उथल पुथल चलती रही, और इस वजह से जीलैंडिया नामक महाद्वीप तकरीबन 5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ होकर समुद्र के नीचे चला गया था। वहीं अगर हम आगे बात करें तो जीलैंडिया को महाद्वीप का दर्जा नहीं दिया जाता था, इसे मेडागास्कर की तरह एक छोटा द्वीप माना जाता था, लेकिन इसमें महाद्वीप का दर्जा पाने की सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जैसे स्पष्ट सीमा रेखा, 10 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल और समुद्र के परत से मोटी परत। तो जैसे कि आपको एक चीज़ और यहाँ पे मिला होगा कि किसी भी द्वीप को महाद्वीप कब कहा जाता है, तो किसी भी द्वीप को महाद्वीप कहने के लिए स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए, 10 लाख वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, और उसकी जो परत की मोटाई होनी चाहिए वो समुद्र के परत की मोटाई से अधिक होनी चाहिए। तो ये था आपका जो है। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो ज्वालामुखी को, जैसे कि ये आपका दो बार हो गया है, इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक, ये आपने देखा होगा कि गौरतलब है कि धरती जिस तरह पहले थी वो अब नहीं दिखाई देती है, ठीक। तो यही चीज़ था हमारा, आज हमने जो है पूरा ये कवर किया कि जो हमारा 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया, जिसको नाम दिया गया, ये हमारा 8वां महाद्वीप कब बना, कैसे बना, कैसे इसकी खोज हुई, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब करवाइए, और आप लोग अपने परिवार द स्पीड स्टडी के साथ जुड़ जाइए, और आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो देने की कोशिश करूँगा, नई नई जानकारियाँ दूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।